नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप और आपका परिवार? मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। तो मैं हर बार अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर इस समाज में एक सकारात्मक सोच लाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है सब्र। सब्र का फल मीठा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग जो है सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं और वो धैर्य नहीं रखते, वो पेशेंस नहीं रखते। तो ऐसे ही हम इसको एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे, क्यों कहानी से हम किसी चीज को बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो एक कहानी है, सब्र का फल मीठा होता है। तो एक बार क्या है कि एक युवक था, एक लड़का था, वो बहुत ही गरीब था, बहुत ही ज्यादा गरीब, और अपनी गरीबी से बहुत ही ज्यादा त्रस्त था। उसके पास में कोई रोजगार भी नहीं था, काम धंधा भी नहीं था। तो वो एक दिन उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की सोची और वो एक दिन घूमते घूमते नदी की तरफ चला गया और वो नदी नदी के अंदर कूदने वाला ही था। तो उसी समय एक साधु भी वहां पर चहलकदमी कर रहे थे। तो साधु की नजर उस युवक पर पड़ी, उस लड़के पर। तो उसने उसको परेशान होते हुए देखा तो साधु महाराज ने उससे पूछा कि हाँ भाई बच्चे, कैसे इधर क्या कर रहे हो ये, और आप ये जो आत्महत्या क्यों करने जा रहे हो? तो युवक ने उसको अपनी साधु महाराज को अपनी परेशानी बताई कि महात्मा जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, मेरे पास में कोई रोजगार भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है। तो साधु महाराज ने उससे कहा कि मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, तो मैं आपको आपकी गरीबी को दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें यदि आप मेरी 2 साल सेवा करोगे, 2 साल आप सेवा करोगे तो मैं आपको एक घड़ा दे सकता हूँ, घड़ा जिससे आप जो कुछ भी मांगोगे, जो कुछ भी मांगोगे वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। और यदि आप मेरी 5 साल सेवा करोगे तो उस घड़ा घड़ा को बनाने की विद्या मैं आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन आप देखिए, जो युवक था वो उसने अपनी समझदारी तो दिखाई दी, उसको बहुत ही जल्दी अमीर बनना था, पैसे वाला बनना था, ऐसा और आपकी जिंदगी जीनी थी। तो उसने साधु महाराज से कहा कि मैं पहला ऑप्शन ही चुनूंगा, 2 साल वाला, और मैं आपकी 2 साल सेवा करूंगा मैं आपकी। तो उसने बड़ी मेहनत और लगन से जो साधु महाराज जी की 2 साल सेवा की, तो साधु महाराज ने उसको घड़ा दे दिया और वो घड़े को लेकर अपने घर गया। तो उसका घर जो भी टूटा फूटा था, तो उसने उस घड़े से अपनी इच्छाएं जाहिर की और जो जो उसने मांगा वो उसको सब मिल गया। उसने एक बहुत ही आलीशान महल बनवाया और महल के अंदर बहुत सारे नौकर चाकर उसकी सेवा करने के लिए लगवाए उसने, और वो ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा था। और आप देखिए कि कई बार क्या है कि हमें जो शॉर्टकट या बिना मेहनत के जब सफलता मिलती है तो वो अपने साथ में कई सारी बुराइयां भी लेकर आती है। तो उसको फिर ऐसा आराम जिंदगी के साथ साथ उसको पीने खाने की भी आदतें लग गई और एक दिन वो शराब पीकर ऐसे नाचने लगा और नाचते नाचते ही उसको पता नहीं क्या सूझा, उसने जो घड़ा है अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लिया और सिर के ऊपर रखते ही वो जो जादुई जो घड़ा था वो फूट गया। तो उसने क्या है कि जब साधु महाराज ने जो उस लड़के को वो घड़ा दिया था तो उसने उस लड़के को ये समझाया था कि जादू का जो एक घड़ा है आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति कर देगा, लेकिन जिस दिन ये फूट गया और जो जो चीज मांगी आपने इस घड़े से वो सारी की सारी वस्तुएं गायब हो जाएंगी। लेकिन वो होश उसको कहाँ था, वो होश खो बैठा अपने नशे के चूर में, अपने विलासिता के चूर में, और उसको इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। जब वो नाच रहा था, जब उसने अपने सिर पर जो घड़े को रख लिया तो वो उसके मदहोशी के आलम में उस घड़ा फूट गया और जितनी भी उसने जो चीजें मांगी थी उससे ऐसा आराम की वो पल भर में वहां से गायब हो गई। फिर साथ उसको होश आया तो उसने युवक को बड़ा ही पछतावा हुआ कि काश मैं साधु महाराज की बात मान लेता और काश मैं साधु महाराज की 5 साल सेवा में करता तो इस जो जादुई जो घड़ा है इसको बनाने की विद्या मुझे मिल जाती। साधु महाराज ने मुझसे कहा भी था कि यदि आप 2 साल मेरी सेवा करोगे तो ये जादुई घड़ा मिलेगा, यदि 5 साल करोगे तो जादुई घड़े को बनाने की मैं आपको विद्या दूंगा। तो उस कहानी के माध्यम से हमने यही बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं
वो सफलता के लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। कई लोग गलत कामों में फंस जाते हैं, गलत काम करते हैं, और तो कहने वाला मेहनत करें तो उसमें पेशेंस रखें। जैसा आप देखिए जो किसान है, किसान है किसी फसल के लिए 3 महीने मेहनत करता है, किसी के लिए 4 महीने मेहनत करता है, जब उसमें दिन रात मेहनत करता है, खेत की जुताई करता है, पानी डालता है, खाद बीज डालता है, चाहे उसके घर में बड़ी मुश्किल से वो फल उसको मिलता है। तो कहने वाले बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत करें और अच्छी मेहनत करें। तो कहने वाला ईश्वर हमें हमेशा दो रास्ते पर रखता है, एक आसान जल्दी वाला और दूसरा थोड़ा लंबे समय वाला पर गहरे ज्ञान वाला। ये हमें चुनना होता है कि हम किस रास्ते पर चलें। तो कोई भी काम जल्दी में करना अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके विषय में गहरा ज्ञान आपको अनुभवी बनाता है। तो आपको मेरे इस कहानी के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है कि आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत आपको करनी होगी, उसमें समय देना होगा। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना अनमोल और कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तहे दिल से। और मैं आपसे हर बार की तरह ये प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में आप इसको शेयर करें, और मेरे वीडियो जो चैनल है यूट्यूब का उसको आप सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल का बटन को दबाएं। यदि आप कहीं भी किसी भी जगह मेरे निःशुल्क मोटिवेशन सेशन या सेमिनार आप आयोजित करवाना चाहें तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 9530003611। थैंक यू सो मच।